यूज कर ले, बेस्ट है इसके अरवनी का कॉपी। आप यहाँ पे 1000 में और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। Hey guys, welcome back to my channel. So, आज का थंबनेल और टाइटल से तो पता चल ही गया है, आई नो आप लोगों की जूडियो हॉल है, बट जूडियो हॉल के शुरू करने से पहले एक बात बोलूंगी कि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मेरा एक एक शोरूम पे मैं नहीं गई थी। एक्चुअली कोलकाता में ना नया एक शोरूम ओपन हुआ है जूडियो का गोरियाहाट में, तो फर्स्ट डे मैं वहाँ पे गई थी, वहाँ से कुछ चीज़ें मैंने पिक किया। एंड सेकेंड डे मैं गई थी पाकी स्ट्रीट में, जो मेन ब्रांच है जूडियो का, जो बहुत ही यूज शोरूम है और जहाँ पे जूडियो का बहुत अच्छा अच्छा समर कलेक्शन भी आया हुआ था। बट मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस के साथ मुझे बहुत मजा आया, बहुत ही कम रेंज में इतना अच्छा अच्छा कलेक्शन था, तो मैंने बहुत सारा चीज अच्छा अच्छा चीज पिकअप किया है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तो ये रहा मेरा दो पैक, तो चलो शुरू करते हैं पहले इससे। और जूडियो में मैंने एक चीज जो नोटिस किया है, जो बड़े ब्रांड है जैसे कि ज़ारा, H&M, तो वो सारी चीज को कुछ कुछ चीजों को कॉपी करने की भी कोशिश किया है, बट ठीक है कम रेंज में वो अच्छा ही है। तो मैंने बहुत सारा टी शर्ट लिया है क्योंकि टी शर्ट बहुत अच्छा अच्छा दिख रहा था, और मैं जिम के लिए नॉर्मली घर के लिए भी टी शर्ट मुझे पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये ज़्यादा लॉन्ग लेंथ नहीं है और इसका कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये हल्का सा ग्रीन कलर का है एंड इसमें थोड़ा छोटे छोटे सा फ्लावर भी दिया हुआ है। और एक चीज़ मैं बोलूँगी, जो लोग टीनेजर है, जो लोग स्कूल में जाते हैं, जो लोग कॉलेज में जाते हैं, उन लोगों के लिए जूडियो एकदम बेस्ट है। बिकॉज एक तो रिजनेबल प्राइस में मिलता है, ऊपर से इतना स्टाइलिश भी मिलता है, जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हो। सो ये रहा मेरा फर्स्ट, इसका प्राइस मैं बता देती हूँ, ये सिर्फ ऑनलाइन का है, जस्ट 200 में एक टी शर्ट मिलता है, ऊपर से इतना अच्छा क्वालिटी का है, सो अच्छा चीज़ है, खराब नहीं है, तो आप लोग जाके ले सकते हो। तो ये फर्स्ट है। एंड सेकेंड, ये भी टी शर्ट नहीं, ये टी शर्ट नहीं, ये नाइट सूट है। ओके, ये है नीचे का कच्चा। सो ये एवोकाडो या, हाँ मुझे नाइट सूट तो वैसे ही बहुत शौक है। सो बट मुझे साइज क्या दिया है, XL, ये क्या, मैंने तो M चूज किया था, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम मिस्टेक हुआ होगा, XL दे दिया यार, इतना लॉन्ग। ऊपर का टॉप तो चलो ढीला ढीला, पर कमर देखो, पर ठीक है, देखते एक्सचेंज होगा कि नहीं। सो ये इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है और ऊपर का टॉप है, ये जहाँ पे बिलिंग होता है ना वहाँ पे बहुत सारा कपड़े भी रहता है, आई थिंक उसके साथ ही एक्सचेंज हो गया होगा। और ऊपर का टॉप भी बहुत अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट है, और बड़ा सा एक एवोकाडो का पिक्स है। इसका मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है। इसका दाम है आपका 499, मतलब 500 में एक नाइट सूट मिलना भी अच्छा क्वालिटी का ठीक है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ले लिया है, एक ही पीस लिया है, अच्छा होगा तो मैं लूँगी। यह है जूडियो का स्पोर्ट ब्रा। ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है, जैसे कि देख पा रहे हो, इसमें कोई भी एक होता नहीं है ब्रा का जो स्ट्रिप होता है, वो गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। सो यहाँ पे पैड भी दिया हुआ है, तो अलग से ये आप पहन लोगे तो और कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसके ऊपर अपना ड्रेस वेयर कर सकते हो। सो ये रहा जूडियो का फर्स्ट मेरा स्पोर्ट्स ब्रा, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का है, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। और मैंने आपको बोला था ना कि कुछ कुछ चीज़ें बड़े ब्रांड का कॉपी करता है, ये है अरवनिक का कॉपी। अरवनिक में ऐसे स्पोर्ट्स ब्रा आपको मिल जाएगा, उसका ही कॉपी है, बट वहाँ पे तो एक्सपेंसिव है, यहाँ पे देखते एक्सपेंसिव मीन्स 1000-1200 में मिल जाता है, ये है 499। सो 500 ऑलमोस्ट 1 रुपया कम, सो अच्छा है। नेक्स्ट, इसका कलर कितना प्यारा है, ये है डीप पिंक कलर का, और इसका मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है, स्किन को एकदम से इरिटेट नहीं करेगा। और इसका प्राइस है 200 ऑलमोस्ट, 1 रुपया कम, 199। और ये भी बहुत अच्छा है, ये मैंने बिग साइज का ही लिया है, XL साइज है, और इसका कलर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही बिग है। ये मैंने लिया है जिम के पर्पज से, क्योंकि जिम में
थोड़ा सा लूज लूज टी शर्ट अच्छा लगता है, शॉर्ट्स के साथ भी बहुत ही प्यारा लगता है। और मैंने क्यूट सा छोटा सा मैंने पिंक कलर का मैंने सॉक्स लिया है, इसमें हार्ट प्रिंटेड है, बहुत ही सॉफ्ट है। और ये आप गर्मियों के टाइम पे पहन सकते हो क्योंकि इसका मटेरियल जो है वो कॉटन का है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड ऑन साइज का ही मिलता है, इसका प्राइस है 49 ओनली, 50 रुपया, मैंने 1 रुपया कम, सब में 1 रुपीज ही कम है। सो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अब जब एसी में रहते हो तो आप पहले अपना फिट में कुछ भी लगा लो, क्रीम वैसलीन जो भी, उसके बाद वेयर करके आप सो सकते हो, बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। ये सारी चीज़ को मैं ऊपर में रख देती हूँ। एंड नेक्स्ट है ये 3 पैक का ये पैंटी है, ये इसका प्राइस मैंने एम साइज में लिया है क्योंकि वहाँ पे जो लेडी थी जिनको मैंने पूछा, क्योंकि मेरा वैसे स्मॉल साइज का आता है, पर उन्होंने बोला आप एक साइज बड़ा लो क्योंकि जो पानी जब जाता है तो थोड़ा सा ये टाइट हो जाता है। सो ये रहा 249, तो ये 250 का ही ऑलमोस्ट। और इसको मैंने कभी क्या ही तो कल ही तो शॉपिंग किया। सो एक दो तीन, हाँ सॉफ्ट है। अब जैसे कि मैंने बोला था, उन्होंने सही बोला था कि एस लोगे तो अब नहीं होगा, देखो एम साइज ऑलमोस्ट एस साइज जैसे ही है, तो ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच, हाँ स्ट्रेच रिवर है, बहुत सॉफ्ट है, इसका कॉटन का है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और कलर भी मैंने, कलर वैसे भी मैं इस टाइप का मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और भी कलर था जैसे प्रिंटेड छोटा छोटा वो सारी चीज़ था वहाँ, बट बहुत ज़्यादा लाइट था इसलिए मैंने नहीं लिया। ब्लैक के बिना कैसे मेरा शॉपिंग कंप्लीट हो सकता है। सो एल साइज का मैंने और एक ब्लैक कलर का टी शर्ट लिया है, ये भी आपका 199-200 ऑलमोस्ट। सो ये भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा जीन के साथ, जीन्स जिम हर जगह पे आप इसके साथ वेयर कर सकते हो। ये एक ब्लू कलर का है, कितना क्यूट सा इसका प्रिंट है, ब्लू कलर ब्लैक के साथ, लेगिंग्स के साथ, जीन्स के साथ बहुत अच्छा लगेगा। ये भी एल साइज का लिया है। अगर आप आपको टी शर्ट अच्छा लगता है तो आप हमेशा एक साइज बड़ा ही लेना या फिर 2-3 साइज। सो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड मैं हमेशा से टी शर्ट बहुत ज़्यादा लूज पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ऐसे ढल ढल करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, सो मुझे अच्छा लगता है। और गर्मी के टाइम पे लूज टी शर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा भी कंफर्टेबल भी रहता है। इसमें से बहुत अच्छे से प्रिंट लिखा है, प्रिंट दिया हुआ है, और एक इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, कॉटन का है, तो ये रहा। अच्छा लास्ट ब्लैक, क्या करूँ ब्लैक से एक अलग ही प्यार है। ये वाला पैकेट मेरा, हाँ ये वाला मेरा पार्क स्ट्रीट वाला जूडियो से ये मैंने लिया था। ये ड्रेस है, लॉन्ग ड्रेस है, ये बहुत ही प्रिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसका गला का सामने का गला का साइज कुछ इस तरीके से मिल जाएगा इसको। और बैक में ज़्यादा डिज़ाइन नहीं दिया हुआ है, वैसे जिगजैग टाइप है, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो। इसका प्राइस कितना है, 899, मतलब ये 900 का है, बट मुझे लगता है 900 में काफ़ी अच्छा और काफ़ी चीप में ही मिला है, बिकॉज इसका क्वालिटी जो है ना कपड़े के एकदम सॉफ्ट है और प्योर कॉटन है, तो ये सारी चीज़ तो बाकी जगह पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता ही है। ब्लैक सब पूरा एकदम समरी वाइब दे रहा है, बीच बीच में जा रहे हो तब भी पहन सकते हो, फिर ऐसे नॉर्मल तो पहन ही सकते हो। और छोटा छोटा डॉट डॉट यहाँ पे फ्लावर का प्रिंट दिया हुआ है, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरा जो यहाँ पे साइज है ना, एल साइज मैंने लिया है क्योंकि एस आउट ऑफ स्टॉक था, और एक एल साइज था और एक्सेल साइज था, बाकी सारी चीज़ आउट ऑफ स्टॉक था, बट ये ब्लैक कलर है मेरा कमजोरी है, और ऊपर से मुझे इसका प्रिंट इतना ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने सोचा ये तो लॉन्ग है तो साइड से भी इसको अगर अल्टर करा लूँगी तो मैं इसको इजीली पहन सकती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने इसको ले लिया, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है।
अगर आप लोगों को दिखे तो ले लेना, ये बहुत अच्छा है। कोई अगर जैसे स्लीवलेस पहनना बहुत कोई अनकंफर्टेबल होता है, कोई बात नहीं, उसके ऊपर आप कुछ भी और भी कुछ भी पहन के वेयर कर सकते हो। तो एक बैग तो खत्म। जैसे ये है गुड़ियाहट वाला जो स्टूडियो, वहाँ पे गई थी मैं। यहाँ पे जो ब्लैक वाला है उस सेम डिजाइन का ये, बस इसका पैटर्न अलग है। और ये भी बहुत ही ज़्यादा समरी वाइब दे रहा है, पूरा एकदम कॉटन का है, इसका प्रिंट कितना ज़्यादा प्यारा है। ये भी एक्सेल है, जो मेरा साइज का नहीं है, क्या करूँ, स्मॉल मीडियम या फिर एक्स्ट्रा स्मॉल, ये सारी चीज़ ना आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम गई हूँ, पर जो लोग जाते हैं उन लोगों को पता है कि ये सारी चीज़ का कितना क्रेज़ होता है। आके ले लिए होंगे, मैं बहुत लेट से गई होगी, तो जो भी हो ये साइज में बड़ा है, पर कोई बात नहीं, इसको मैं अल्टर करके पहन लूँगी, तो इसलिए मैंने ले लिया है। और इसका भी प्राइस मे भी सेम ही होगा, हाँ 899 का, मतलब 900 का है, तो ये भी अच्छा ही है, मुझे तो अच्छा लगा। आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। और मैंने लिया है एक कच्चा घर पे पहनने के लिए, क्योंकि मैं ऐसा शॉर्ट्स कॉटन का बहुत ही पहनती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है इसीलिए। और इसका प्राइस मैं बता देती हूँ, इसका प्राइस है 199, बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट मटेरियल है। और मैंने थ्री सेट का यहाँ से भी पैंटी लिया था, और इसका भी थोड़ा जैसे आपको बोला ना, थोड़ा सा डॉट डॉट था, मैंने लिया नहीं था, बट मुझे याद नहीं था कि मैंने दूसरा जगह से ले लिया था। ये भी मैंने थ्री सेट का लिया है, इसका भी प्राइस है 249, ये भी बहुत अच्छा। वहाँ पे पैंटी फिर जो ब्रा का जो मैंने कलेक्शन देखा है, प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है, और हर एक चीज़ अर्बनिक से ही कॉपी किया हुआ है। एंड इसका भी जो प्रिंट है ना, ये फिर भी ठीक है, कुछ कुछ तो फ्लावर प्रिंट है, तो जो वो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, तो वो मैंने नहीं ली। तो ये भी प्रिंट बहुत ही प्यारा प्रिंट है, कलर भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट भी है। इसका भी साइज शायद, हाँ इसका भी एम साइज है, तो मुझे लगता है ठीक ही है। स्मॉल अगर लेती मैं तो इतना आता, और इसको अगर पानी में देने के बाद जैसे बोर्ड है थोड़ा सा साइज में छोटा हो जाता है, कॉटन का है इसलिए तो प्रॉब्लम होता, बट ये कंफर्टेबल रहेगा। और वैसे भी जो पैंटी है वो एक साइज बड़ा भी पहनना चाहिए, एटलीस्ट समर के टाइम पे, नहीं तो बहुत ज़्यादा चिपक के रहता है स्किन में, तो बहुत अनकंफर्टेबल, और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो यस गाइस, ये कलर तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ही क्यूट सा है। सो ये भी है, आप लोग अगर जूडियो से शॉप कर रहे हो, या फिर जो टीनेजर देख रहे हो, या फिर जो कॉलेज गोइंग गर्ल हो, आप लोग इजीली जूडियो से ये सारी चीज़ ले सकते हो, क्योंकि एक तो कम दाम पे मिल जाएगा, तो बजट फ्रेंडली है, सो हाईली रिकमेंड है, ले सकते हो, क्योंकि क्वालिटी अच्छा मिल जाएगा। और ये लास्ट प्रोडक्ट है, बट ये मेरा अभी तक मैंने जितना सारे चीज़ दिखाया सब अच्छे हैं, तभी मैंने शॉप किया है, बट सबसे फेवरेट अगर जूडियो का मेरे मुझे कुछ अच्छा लगा वो है ये ड्रेस, क्योंकि ये जारा का कॉपी है। वो क्या है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो ये है क्रॉप शर्ट, ये मैंने मीडियम साइज लिया था, क्योंकि ऑफकोर्स लूज मुझे लेना था। क्रॉप शर्ट है ये, और इसका क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट क्वालिटी का है। इसका प्राइस मैं पहले बता दूँ, ये है 499 का, सिर्फ टॉप है शायद 499 का, हाँ इसका टॉप सिर्फ 499 का है, और ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। एंड जो नीचे का लोअर है, वाओ अमेजिंग, ये भी बहुत अच्छा है, इसका पैटर्न इतना अच्छा है, और इसका जो कमर का देखो डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये पूरा की पूरा जारा का कॉपी है। और इसका प्राइस में कितना है, इसका भी 499, मतलब 1000 रुपीज़, 2 रुपीज़ कम, 1000 रुपीज़, यस, मतलब दोनों ड्रेस का 1000 रुपीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा चीप है, और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की है, और जारा का ड्यूप भी है ये वाला, क्योंकि जारा वाला जो है वो है पूरा 7000 समथिंग, क्योंकि 4000 शायद उसका ऊपर नीचे लोअर का, क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया है, तो उसका दाम भी तो पर उतना ही 8000 या फिर 8500 के अंदर है। सो जारा में तो उतना रहता ही है,
बट इसका ज़्यादा का ये ड्यूब है, जिस हिसाब से इसका क्वालिटी भी है तो वो ठीक ही है, मतलब अच्छा है प्राइस के हिसाब से। 1000 में और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, यहाँ ये आप कहीं पे भी, जैसे कि कॉफ़ी में जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, कहीं पे मूवी देखने जा रहे हो, कहीं पे भी पहन के जा सकते हो। अच्छे से स्टाइल करके इसके नीचे शू पहन लेना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगोगे। और पिंक पिंक कलर का क्लिप लगा लेना, जैसे मैं लगाती हूँ बाबू, क्योंकि मेरा ये जो हेयर स्टाइल है ना, ये बहुत ही इजी रहता है मेरे लिए, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं ऐसे ही हेयर स्टाइल बना लेती हूँ और मुझे तो लगता है कि अच्छा ही लगता है। सो गाइज, यही रहा मेरा लास्ट प्रोडक्ट जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। आप लोगों को जूडियो का हॉल कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मुझे जूडियो में और कुछ हॉल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि नहीं वो भी मुझे बताना, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था तो फर्स्ट टाइम के हिसाब से एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। और जो लोग टीनेजर है उन लोगों के लिए तो जूडियो बेस्ट है, बेस्ट 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 है, क्योंकि पैसा भी बहुत ज़्यादा कम भी लगता है और क्वालिटी के हिसाब से अच्छा ही प्रोडक्ट रहता है। सो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आप लोगों को कैसा लगा जूडियो का हॉल मुझे ज़रूर बताना, और आप लोगों से मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए, और आप लोगों को कौन सा ड्रेस अच्छा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय।